में अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में चैप्टर नंबर 12 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। वैसे तो खैर ज़्यादातर जो सेक्शन बी में आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो बुक से ही आते हैं, लेकिन कुछ जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि अभी आपके सामने नज़र आ रहा है एक क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कहने को तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन बहरहाल इसको भी हमने सेक्शन बी में देखा है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की बेटर सबसे पहले डेफिनेशन आप समझ लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे तो खैर रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज़ का हो उसको आप ग्रेडियंट के मायनों में ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हो रही है वो भी इलेक्ट्रिकल, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसमें होने वाली वो तब्दीली या वो चेंज जो उसके डिस्प्लेसमेंट कवर करने की वजह से पैदा हो, उसको आप नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो इसलिए इसका सैम्पल जो नाम दिया गया है वो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, जिसमें डेल्टा आर का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। अब आपने कंसीडर किया एक चार्ज पार्टिकल को जिसका नाम है क्यू नॉट, और जो कि हरकत कर रहा है, मूव कर रहा है इन अ फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। एक सोर्स चार्ज दिखाया गया है इस डायग्राम में क्यू, और इस सोर्स चार्ज की फील्ड जो कि ओमनी डायरेक्शन सब तरफ फैली हुई है, उसकी फील्ड में एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हरकत करता हुआ आ रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के हवाले से, उस फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में ये हरकत कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। नाउ एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज पे किया गया जितना भी काम होता है उसको हम नाम देते हैं इन अ फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे तो खैर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात ना भी करें, अगर हम वैसे भी बात करें कि हमेशा चीज़ें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही आती हैं, ज़मीन की फील्ड के अंदर भी अगर आप पानी को गिरता हुआ देखें या पत्थर को गिरते हुए देखें तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गिरते हैं। तो अब अगर कोई कहे कि यार इसमें रेट ऑफ चेंज कितना था, तो उसके लिए आपने सबसे पहले वो वर्क कैलकुलेट करना है जो कि उस पत्थर को या उस पानी को अगेंस्ट द ग्रेविटी, इन टर्म ऑफ ग्रेविटी बात हो रही तो इन टर्म ऑफ ग्रेविटी का ही बात कर रहे हैं, इन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जब आप उसको मूव करवाते हैं, तो जितना भी वर्क आप उस पर करते हैं वो सारा का सारा वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है एज इट्स पोटेंशियल। तो ऑन द रिटर्न, वापसी में, वो उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हुए वो पत्थर वो पानी वापसी आता है। बिल्कुल इसी तरह जब भी इस टेस्ट चार्ज को इन द डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करवाएंगे, और फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ ले जाकर छोड़ देता हूँ, तो बिल्कुल जैसे पत्थर ज़मीन की फील्ड में गिरा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिल्कुल इसी तरह ये टेस्ट चार्ज भी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता हुआ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसकी बात अभी की गई। बेटा वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डेल्टा एस डेल्टा आर डेल्टा डी, कुछ भी कह सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, डिवाइड बाय क्यू नॉट, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप चाहो तो एफ के नीचे रखो चाहो तो डेल्टा आर के नीचे रखो। मैंने एफ अपॉन क्यू नॉट क्यों रखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आपने इस एफ अपॉन क्यू नॉट की जगह पे पुट करवा दिया कैपिटल ई जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है डॉट डेल्टा आर। फर्स्ट ईयर स्केलर एंड वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के हवाले से पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब हम जब लेते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट इसका मतलब होता है, यानी इसमें जो प्रोडक्ट आया है डेल्टा वी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरी बात, डॉट के फंक्शन को ख़त्म लगाएं तो यहाँ पर कॉस का फंक्शन आता है। अब क्योंकि ये टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहा है, लिहाजा इन दोनों के दरमियान यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर के दरमियान का जो वेक्टर एंगल है यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंगल है वो आपके पास 180 डिग्री इस्तेमाल किया जाएगा। कॉस 180 डिग्री की कीमत बेटा -1 होती है, यानी ये पूरा फैक्टर माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस का ई डेल्टा आर हो गया। मैंने डेल्टा आर मल्टीप्लाई की सूरत से
लेफ्ट साइड पे ले जाके डिवाइड करवा दिया तो ई के साथ नेगेटिव साइन लगा रह गया। अब यहाँ मैंने इसको बॉक्स में बनाने का मकसद ये था आपको समझाना कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इसके साथ कोई भी साइन नहीं लगी, इट मीन्स कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपोजिट डायरेक्शन है, देखो वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ नेगेटिव का साइन जब लगा होता है तो वो उस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात की जाए इस तरफ, तो इस तरफ जाते हुए टेस्ट चार्ज के पोटेंशियल में हमेशा इजाफा होता है। और ये लफ्ज़ मैं इजाफा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है सिवाय पॉजिटिव के, ठीक है। जबकि अगले स्टेप में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन में ई को पॉजिटिव किया तो ई इज इक्वल टू माइनस का सिंबल यहाँ आ गया, ठीक है, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, अंडरस्टूड बात है। तो ये अब ई इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अब यहाँ पर माइनस का सिंबल किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लेकिन अगर आप इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी पर ले जाकर वापस छोड़ते हैं, और अगर हमारा ये टेस्ट चार्ज वापस जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या ई वेक्टर पॉजिटिव है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर वेक्टर हमारा ये टेस्ट चार्ज चलता है तो उसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमेशा कमी आएगी। ये माइनस साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डेल्टा वी यानी पोटेंशियल जो भी डिफरेंस था विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आर यानी फासला तय करने के साथ साथ वो कम होता जा रहा है अगर हमारा टेस्ट चार्ज वापसी के रास्ते पर है।